जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं कस्बा हैजरपुर चांदपुर जिला बिजनौर में संजय सूर्या सैनी जी के फार्म पर, जिनका अपना जनसेवा केंद्र है। लॉकडाउन में काम न होने के कारण इन्होंने अपना ये फार्म शुरू किया और इसे ये सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके इस अनुभव के बारे में। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम है संजय सूर्य सैनी। मेरा गांव पड़ता है ग्राम हैजरपुर कस्बा पोस्ट अगौंदा तहसील चांदपुर जिला बिजनौर। आप जो ये अपना फार्म चला रहे हैं कितना समय हो गया आपको चलाते हुए? सर ये मैंने जो फार्म स्टार्ट किया था लगभग पिछले लॉकडाउन में, मैंने मार्च में स्टार्ट किया था सर ये फार्म, क्योंकि बेस तो सर मेरा एक जनसेवा केंद्र है, लेकिन लॉकडाउन में जनसेवा केंद्र बंद हो गए थे, थोड़ा इनकम नहीं हो रही थी, तो मैंने जो है लॉकडाउन में पोल्ट्री फार्म खोलने का सोचा। तो सर मैंने लॉकडाउन में अपना ये पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था, तो अभी लगभग मुझे दूसरा साल चल रहा है सर पोल्ट्री फार्म किए हुए। आपने जब ये शुरुआत करी थी लॉकडाउन के दौरान तो कितने बर्ड से शुरू किया था आपने? सर मैंने 100 बर्ड से स्टार्ट किया था, वो FFG का बर्ड था, डे ओल्ड चिक्स मैंने उसमें लिया था। अच्छा। और कुछ मैंने उसमें कड़कनाथ भी डाला हुआ था जी। फिर उसके बाद सर मैंने कुछ जो है असील बर्ड ये, और उनसे भी ब्रीडिंग करा रहा हूँ सर। तो जो बच्चा है मैं वो FFG का भी अपने पास से निकाल रहा हूँ, और जो कड़कनाथ का है वो भी सर मैं अपने पास से अभी निकाल रहा हूँ। मतलब आपने हैचरी भी लगाई हुई है? जी सर। थोड़ा असील के बारे में बताइए। सर असील को जो लोग पालते हैं वो एक तो सुंदर बहुत होता है असील, और वो एक मतलब कि चलता फिरता भी अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा बर्ड होता है, तो इसीलिए लोग इसको पालना पसंद करते हैं। तो सर मैंने भी अपने फार्म की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ असील पाल रखे हैं, क्योंकि सर ये काफ़ी महंगा बर्ड होता है, तो इसको लोग बाग उतना महंगा बर्ड जो है मीट पर्पज़ के लिए नहीं लोग उसे यूज करेंगे। क्या रेंज होती है इसकी? सर ये जो है लगभग बड़ा बर्ड जो अभी एक साल क्रॉस करता है तो लगभग 4,000 से 10,000 तक ऊपर क्रॉस कर जाता है सर ये एक बर्ड। मतलब इतने का बिक जाता है? जी सर। एक चीज़ बताइए, जब आपने ये फार्म बनाया था आपका फार्म कितने क्षेत्रफल में है और बनाने में कितना खर्चा आया था? सर ये जो टोटल मेरा फार्म है वो 84x74 फिट का है, और सर इसमें जो खर्चा आया था मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए का मेरा टोटल खर्च इसमें आया था, जिसमें के उसमें मेरा बच्चा भी था और पूरा फार्म था, जिसमें सर मेहनत मैंने खुद से की थी। मतलब आपने खुद ही बनाया था इस फार्म को? जी। इनको खाने में क्या दे रहे हैं आप? सर अभी जो दे रहा हूँ मैं, अभी तो इनको मैं कटर फीड खिला रहा हूँ जो मेरे बड़े बर्ड हैं, और छोटों को मैं खिला रहा हूँ स्टार्टर सर, क्योंकि सर कटर फीड जो होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, तो अभी मेरा जो बर्ड है वो अंडे के लिए मतलब तैयार हो, काफ़ी बड़ा बर्ड हो चुका है, तो अभी मैं केवल पाल ही रहा हूँ उसको, इसीलिए मैं उसको कटर फीड खिला रहा हूँ। प्लस उसमें मैं जो है उनको दवाएँ जो होती हैं जैसे कि बिमरॉल ऑस्ट्रोबेट ये सारी चीज़ें सर मैं इनको देता रहता हूँ, और सर बाहर फ्री रेंज में भी मैं इनको चलाता रहता हूँ, जिससे कि मेरा फीड भी काफ़ी बच रहा है और मुझे मतलब काफ़ी फ़ायदा है। ये कटर फीड क्या होता है? कटर फीड मतलब कि सर जैसे कि जो बेस्ट मटेरियल हो जाता है केवल वो, केवल उससे बर्ड हम पाल सकते हैं, बच्चों को ग्रोथ नहीं करा सकते हैं, केवल उसको पेट, उसका पेट भर जाए बस इतना ही वो उसका काम होता है, बाकी और कुछ काम नहीं होता है सर उसका। मतलब कि आप ये कही के जो सस्ता वाला प्रोडक्ट है यही उसमें वो ऐड हो जाता है, जैसे चावल की किनकी है, चावल की किनकी, चावल गेहूँ बाजरा ये सारी चीजें सर उसमें ज्यादा ऐड हो जाती है। जो दोयम दर्जे का अनाज होता है उससे आप जो फीड बनाते हैं वो कटर फीड होता है? जी सर, जो सबसे लो क्वालिटी का होता है सर। ये कटर फीड रेट क्या पड़ता है आपको? सर अभी ये जो 50 किलो का बैग है वो 1,000 रुपए का हमें पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे फार्म पे पहुँच करके मतलब 20 रुपए किलो पड़ता है आपको सर? जी सर जी, 20 रुपए किलो चल रहा है सर अभी। जी संजय जी आप फार्म चला रहे हैं, आपके पास असील भी है, FFG भी है, कड़कनाथ भी है, आप इनकी सेल कैसे करते हैं? सर अधिकतर तो मैं रिटेल में ही इसको सेल करता हूँ, ये मेरा जो माल है वो हरिद्वार साइड में सर काफ़ी जाता रहता है, तो वो जो लड़के हैं उधर से रिटेल में ही सर 10-20 करके इसी तरह से मेरा माल हर हफ्ते 20 दिन में सर वो उठाते रहते हैं, और यहाँ के भी जो कटर वाले हैं उनसे मैंने संपर्क किया हुआ है, जो मेरा FFG है तो उसको सर वही ले जाते हैं, तो इसमें तो सर यही है कि मुझे सेलिंग की कोई टेंशन नहीं है सर, जो कटर है वो ले जाते हैं, और बाकी जो वहाँ से मेरे पास जो इंक्वायरी आती रहती है सर 15-20 बर्ड की हर हफ्ते आती रहती है सर। जो बड़ा बर्ड है FFG का जी किस रेट बेचते हैं आप? सर वो मैं बेचता हूँ लगभग जो फीमेल है 600-700 रुपए, और जो मेल है वो 1,000-1,200 रुपए तक चला जाता है सर, जिसका वेट 4 से 5 किलो मेल का हो जाता है सर। ओवरऑल प्रॉफिट कैसा है इसमें?
सर प्रॉफिट तो काफ़ी है, लेकिन सर जितना भी मैंने इसमें कमाया है वो सर इसी में लगाया है मैंने। सर पहले मैंने 100 वर्ड से स्टार्ट किया था, अभी मेरे पास जो है 700 के आसपास वर्ड है, तो सर जो कमा रहा हूँ वो इसी में मैंने लगाया है। अभी मैंने जेब में कुछ नहीं रखा है सर, जितना भी कमाया है सब इसी में लगाया है सर। मतलब जो आपने सेल किए वही फिर से इन्वेस्ट कर दिया आपने, आप इसमें ही इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी बर्ड, अपने बर्ड बढ़ा रहे हैं अभी आप। आपके पास जो ये असील है ये तैयार होने में, मैच्योर होने में, जवान होने में कितना समय लेता है? सर ये जवान होने में लगभग इसको 12 महीने तो लग ही जाते हैं सर। अच्छा, कितना वजन ले जाता है 12 महीने? सर ये 12 महीने में, क्योंकि सर असील को उतना वजन के लिए तो नहीं पाला जाता, लेकिन फिर भी इसमें जो है 5 किलो तक वेट चला जाता है, 5 से 6 किलो तक चला जाता है सर इसका वेट असील का एक साल में। और जो डबल एफ जी है ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? सर ये लगभग 7 महीने में जो है 4 से 5 किलो का हो जाता है सर। अच्छा जी, आपको लगभग 1.5 साल हो गया फार्म शुरू किए हुए। आपके पास 3 ब्रीड हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, असील है, कड़कनाथ है, डबल एफ जी है। जी सर। इसका मृत्यु दर कैसा है थोड़ा इस बारे में बताइए। सर जो कड़कनाथ में है वो मृत्यु दर मतलब 2 से 3% है जो मेरे यहाँ पे मृत्यु दर हुई है छोटे बच्चे में। अच्छा, और जो इसके बाद एफ एफ जी है सर, एफ एफ जी में मैं 10% तक मैक्सिमम मानता हूँ, उससे ऊपर नहीं गया है सर एफ एफ जी में। और कड़कनाथ में जो है सर, एक बार में जो एक फीमेल है वो लगभग 15 अंडे मैक्सिमम देती है, उसमें से जो है वो 10 बच्चे तो सर निकाल ही देती है 15 अंडों में से। सर उसमें से मैं मानता हूँ कि एक आध ही मरता है, बाकी तो बीमारी के कारण तो कोई नहीं मरता है, या जैसे कोई किसी मुर्गे से या मुर्गी से पैर रखा गया तो ही वो मरता है, वरना तो वो काफ़ी अच्छा चलता रहता है, उसमें मृत्यु दर ना के बराबर है सर। असील का मृत्यु दर कैसा है? सर उसमें कम है, क्योंकि अच्छा। हाँ उसमें सर मान लो एक मुर्गी ने 15 अंडे दिए हैं तो 10 बच्चा निकाल दिया, 10 में से वो एक आध अगर पैर रख के मर गया, वैसे मर गया तो मर गया, वरना नहीं मरता है सर, वो अच्छे से चलता रहता है सर वो। दर्श को यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संजय ने जो ये काम किया हुआ है, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार थे, इनका जो काम है अपना वो नहीं चल रहा था, तो इन्होंने शुरू किया और अपनी ज़मीन पर बनाया, अपनी मेहनत से बनाया ये फार्म। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इनसे प्रेरित होकर अगर कर रहे हैं तो पहले आप अपनी रिसर्च करें, अच्छी तरह मार्केटिंग का पता करें, इनके फार्म पे भी आके देखना चाहते तो देखें। तो ये थे हमारे साथ में संजय सूर्या सैनी जी, जिन्होंने आपको असील, कड़कनाथ और डबल एफ जी मुर्गी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।